सत्संग में खड़े थे और ये वाटर टैंकर देख रहे हैं यहाँ पर खराज में है। तो यहाँ पे भाई है, अस्सलाम वालेकुम, सब खैरियत भाई जान? कहाँ से हो भाई जान? जौन यूपी जौनपुर से है। चलिए अच्छी बात है। कितना साल हो गया यहाँ? 3 साल हो गया। यही वाटर टैंकर चलाते हैं? फर्स्ट टाइम सऊदी अरब है कि कहाँ? फर्स्ट टाइम है यानी पहली जी जी। ये पानी जो है जा रहा है कौन सा, पीने वाला है कि क्या? ये नहाने वाला पानी। नहाने वाला ओनली वॉश। जैसे कि एक टैंक का क्या प्राइस पड़ता है? एक टैंक का क्या प्राइस लेते हैं? 160 रियाल। 60 रियाल बस। और ये आप देख सकते कितना लीटर का टैंक? 3000। 15000? 13000 सॉरी। तो जैसे कि इसमें जो है 13000 लीटर जो है ना पानी का जो है सप्लाई 60 रियाल में होता है। यार बहुत सस्ता है देखा जाए तो। और जैसे कि इतना बड़ा जो है पानी पीने वाला होता तो फिर क्या प्राइस होता? पानी पीने वाला बाकी के साथ दिखता है। नहीं एक दूसरा भी होता ना, दूसरा होता तो वही रेट आता। सेम टू सेम 60 उसका अलग रेट होता है, वो मीटर के साथ बिकता है। मीटर के हिसाब से मीटर बिकता है। तो कितना मीटर के हिसाब है, कितना मीटर है, कितना टन है उस हिसाब से जी। तो चलिए अच्छी बात है भाई जान। तो आप कंपनी में है कि मुसासा में है ये पहले बताइए? कंपनी आप कंपनी में है कि मुसासा का? मुसासा का यानी कपिल का काम है। चलिए अच्छी बात है। तो फिर अभी कोई भाई आना चाहते हैं तो उसको क्या कहना चाहेंगे, यानी कितना तनख्वाह में आए वाटर टैंकर में या हैवी ड्राइवर में या ट्रेलर ड्राइवर, बेहतर क्या होगा आपके हिसाब से? हिसाब से तो 1800 है 1500 है स्टार्टिंग। हाँ यानी फ्रेश बंदा 1800-1500 से कम में ना है। बंदा है तो 1800 पूरा तो किसी किसी को 1300 में मिल जाता है जी। आता आदमी फंस जाता है। क्या प्लस ट्रिप वगैरह रहता है कि नहीं? ट्रिप मिलता है ना, 5 रुपये मिलता है। 5 रुपये जैसे कि कितना किलोमीटर पे 5 रुपये मिल जाता है? किलोमीटर नहीं, कहीं भी डाल दो उसमें 5 किलोमीटर नहीं जाता है। यानी जैसे कि अभी आप यहाँ खारजे में हो ना, तो खार से खारजी में 5 रुपये मिल जाता है। और खार से कहीं बाहर गए जैसे रियाद हो गया बाय द वे, कभी गए हो कि नहीं रियाद? बाहर का वो अलग होता है ना। हाँ बाहर के लिए जो होता है वो अलग होता है। हाँ लोकल का थोड़ा डिफरेंट होता है। जी जी जी। तो यहाँ पे यानी कोई भाई नया है वहाँ पर चलाते हैं हैवी का ट्रेला का, तो यहाँ पे यानी इंडिया में कोई बंदा चला रहे हैं सही है ना, और यहाँ पे आना चाहते वही वाटर टैंकर ड्राइवर में, तो कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं कि सेम डिफरेंट है? गियर वगैरह कैसा होता है? सेम होता है थोड़ा दिखाइएगा। गियर तो सेम नहीं होता है, अलग अलग सिस्टम है। चलिए थोड़ा गियर का भी लुक दिखाते देखते हैं सर। चलिए उस साइड से दिखाते हैं। भाईजान लॉक है? लॉक खोलो। अब बस आप सबके लिए मेहनत इतना कर रहे हैं और भाई साहब की जो मेहनत जो कर रहे हैं आप ही किस सबके लिए। अब दिखाते हैं अंदर का लुक। अब गियर आप देख सकते हैं कितना गियर तक है, RC 1 यानी 6-8 गिर है। 8 गिर है। कौन कौन सा बताइए? सी है ये जो है। हाँ सी में क्या हो गया? सी में हो गया चढ़ाई पे, गाड़ी पूरी चढ़ाई पे ये एकदम लो गियर हो गया जी। ये आर जो है रिवर्स है। रिवर्स है ये एक जी दो तीन तीन ही है तो तीन है ठीक है। हाँ तीन है ये जो फक्सा है ये नीचे वाला। हाँ नीचे लाल बटन है ना। हाँ नीचे हो ये हमारा जहाँ एक नंबर लगता है। हाँ वही चार नंबर हो गया ये लगने के बाद। ये अगर ऊपर यानी 6 नंबर तक है बस ये 6 और गियर और रिवर्स और ये 8 गियर हो गया टोटल यानी। और कितना सिलेंडर का गाड़ी है? 6 सिलेंडर गाड़ी है। 6 सिलेंडर का ताकत है यानी? ताकत बहुत है। बहुत टर्बो इंजन है। चलिए अच्छी बात है। तो यानी कोई दिक्कत नहीं है यानी इंडिया में भी सीख कर आते हैं? लेकिन नहीं हम नहीं जाएंगे, हमारा गाड़ी धरी है, फिर पैदल आना पड़ेगा आगे से। चलो अभी फिर आता हूं हमको ना। नहीं शुक्रिया मेहरबानी का, हमारा तो ड्यूटी का कोई टाइम टेबल भी नहीं है ना, नहीं तो चले जाते हैं वाटर टैंकर का। यहीं पे आइएगा फिर से? हाँ फिर आएंगे, फिर आएंगे। चलिए अच्छी बात, हमारे पास टाइम नहीं तो हम चले जाते। तो चलिए ठीक है भाई जो ना बीजी में है और आप सबके लिए जितना सब समझ लीजिए आप सबको जो ना पूरा फुल इन्फॉर्मेशन मिल गया, यानी थोड़ा बहुत परेशानी होगा आपका कहने का मतलब। थोड़ा 10-15 दिन थोड़ा रास्ता दिखाना पड़ेगा जी। दिखाने के बाद थोड़ा
ट्रेनिंग के लिए जाता है जी जी, आदमी चला लेगा कि नहीं चलाएगा जी जी, थोड़ा परेशानी होगी, एक महीना 15 दिन परेशानी होगी, बाद में कोई टेंशन नहीं, कोई टेंशन नहीं। चलिए ठीक है, शुक्रिया मेहरबानी, हाँ अल्लाह हाफिज़। तो चलिए ठीक है, चलते हैं अब, ओके अल्लाह हाफिज़। तो भाई बिजी में थे तो हम छोड़ दिए, क्योंकि फिर से पानी जा रहे हैं लाने के लिए और फिर आएंगे, ओके।